जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ वो भी सुनता है। कौन छुप रहा है? अगर हिम्मत है तो आओ सामने। तुमने मुझे डरा ही दिया। क्या मैंने तुम्हें डराया? मुझे लगा मैं डरा था। रास्ता भूल गए? ठंडी गुफा उस तरफ है। नहीं नहीं, उसका नाम मत लो, उस गुफा में भूत है। मेरे ख्याल से सभी बंदर तो उसी इलाके में रहते हैं ना? रहते होंगे, पर मैं उन बंदरों में से नहीं हूँ। मैं हूँ हिमालय पहाड़ों की बंदरिया। हम समझदार होते हैं। इतने समझदार हो कि भूतों पर भरोसा करते हो? मेरा एक दोस्त है बलू, वो तो कहता है भूत जैसी कोई चीज ही नहीं होती। पर मैंने भूत देखे हैं, दो पैरों पे चलते हैं, खतरनाक होते हैं और हाथ में होती है आग उगलने वाली डंडी। लगता है इंसान जंगल में आए हैं। चलो ये बात बलू को बताते हैं। आओ मेरे साथ, मुझे अपना दोस्त समझो। मैं हूँ मोगली। और मैं हूँ लंगर। कितने दिनों से ये गायब है? 3 दिन और 3 रातों से। ओ, क्या मुसीबत है। बलू, बगीरा। मोगली कहाँ यहाँ आया है? काश मैं कुछ मदद कर पाता, पर मुझे तो शिकार पे जाना है। मैंने महीनों से कुछ अच्छा नहीं खाया। पर तुम्हें मदद करनी होगी का? तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? वो छोड़ो, फिलहाल तो मुझे पेट भर के कुछ खाना है। नहीं, मैं तो कहता हूँ जो जरूरी है वो करो। पर हमें मदद क्यों चाहिए बलू? हमारा व्हाइट कोबरा तो बीमार है और कहीं चला गया है, पर किसी को नहीं पता कहाँ। कोबरा बीमार हो गया? पता नहीं क्या खाया होगा। जाओ ढूंढो उसे। थू ठंडी गुफा के खंडरों के खजाने की रक्षा करता है और ऐसा वो सदियों से करता आ रहा है। और थू के गायब होने से इंसान उस खजाने तक पहुँचने में देर नहीं लगाएंगे। हो सकता है अभी भी वो वही जा रहे हो। अरे नहीं। क्या हुआ मोगली? ये लैंगर है, इसने किसी को देखा है, शायद इंसान थे, वो भी ठंडी गुफा के पास। मुझे इसी का डर था। चलो जल्दी वरना देर हो जाएगी। कहाँ जा रहे हो मोगली? ठंडी गुफा के खंडरों में खजाने की हिफाजत करने। ठीक है, अच्छे से जाना, बाय बाय। इतनी खामोशी, कुछ ठीक नहीं लग रहा। लगता है इंसानों ने बंदरों को यहाँ से भगा दिया है। चौकन्ने रहना मोगली, वो आसपास ही होंगे। मैं तो कहती हूँ इंसानों को खजाना ले जाने देते हैं ताकि हमारी जान बच जाए। नहीं लैंगर, अगर हमने ऐसा किया तो फिर जंगल में और इंसान आएंगे, रोज हजारों पेड़ काटेंगे और ना जाने कितने जानवरों की जान लेंगे। ये हम पहुँच गए। ये दरवाजा सदियों से नहीं खोला गया है, मदद करोगे? ये खजाना यहाँ कैसे आया? इस बात का पता किसी को नहीं, पर जब तक इसका पता किसी को नहीं, ये जंगल सुरक्षित है। पर हम खजाने की रक्षा कैसे करेंगे? हमारे पास हथियार भी नहीं है। हमें जो भी करना पड़े करेंगे ताकि उन इंसानों को यहाँ से दफा कर सके। तुम सांप की तरह आवाज निकाल सकते हो बलू, जैसी का निकालता है। कोशिश कर सकता हूँ। एकदम सेम टू सेम। वो सांप यही कहीं होगा, बेवजह गोलियां मत चलाओ। इस जगह के बारे में बहुत सुना है, एक बार खजाना दिख जाए बस। अंधेरा हो रहा है, रोशनी का इंतजाम करना होगा तभी आगे बढ़ सकते हैं। हमें और मदद की जरूरत पड़ेगी बघीरा। किसकी मदद? कोई है जो इस काम को आसानी से कर सकता है। ये बताओ, अगर इंसानों को भगा दिया तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुम तो जानते ही हो इंसान तुम्हारा भी कितना नुकसान करते हैं शेर खान। तुम्हारे खाने वाले जानवरों को फर के लिए मारते हैं।
उठाने की बात है तो मुझे वो इंसानी बच्चा मिल सकता है? नहीं खान, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? मोगली को तो किसी सुरक्षित जगह भेज देंगे। ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। तुमने इसकी बातें सुनी टबाकी? एक एक बात। ओहो, अब ये क्या बात हुई बघीरा? मैं मदद क्यों नहीं कर सकता? मोगली, मामला बहुत खतरनाक है। अच्छा, तो फिर उस लैंगर को क्यों रखा? क्योंकि वो शेर खान लैंगर के पीछे नहीं पड़ा है। देखो मोगली, मेरे पास बहस का वक्त नहीं है, इसलिए जैसा बलू ने कहा वैसा करो, यहीं छिपे रहो। मेरा प्लान है कि हम टीम में बंट जाएंगे और इंसानों को एहसास दिलाएंगे कि उन्हें घेर लिया गया है। फिर एक इशारे के साथ हम जोर की आवाजें निकालेंगे। कोई शक या सवाल? मैं घर जा सकती हूँ? टेंशन मत लो, बघीरा तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। मैं और खान एक साथ रहेंगे। ओ, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे साथ रहकर मैं भी बहुत सुरक्षित महसूस करूँगा। बल्लू, कोई है यहाँ? मोगली, देखो मैं आया हूँ, टबाकी। जरूरत के वक्त ऐसे दुम दबाकर बैठना अच्छी बात नहीं। मुझे तुमसे बात नहीं करनी टबाकी। अच्छा, तो वहाँ छुपे बैठे हो? कम से कम मेरे साथ खेल तो सकते हो मोगली, मैं भी तुम्हारी तरह अकेला हूँ। सभी ठंडी गुफा के खंडरों में गए हैं। हाँ, तो तुम भी उनके साथ क्यों नहीं जाते? हाँ, उन्होंने मुझे आने नहीं दिया और वही कहा जो तुम्हें कहा मोगली, कि मुझ में हिम्मत नहीं है। क्या? हाँ, ऐसे ही कहा उन्होंने, पर ये बिल्कुल भी सच नहीं है। कम से कम मेरे बारे में तो नहीं। और ना ही मेरे बारे में। अब तुम कहाँ चल दिए? ठंडी गुफा के खंडरों में। मैं किसी इंसान से नहीं डरता और ना ही बाघों से। हाँ। वो मशाल बना रहे हैं, हमें अपना इशारा करना चाहिए। अच्छा, ये इशारा कैसा है? ये इशारा है, चलो आवाज निकालो। लैंगर, कहाँ जा रही हो? ये तो बघीरा है, हो क्या रहा है यहाँ? मुझे इस बारे में कुछ नहीं जानना इंसानी बच्चे, तुम ही जाओ वहाँ। तुमसे बड़ा कायर मैंने आज तक नहीं देखा। कायर बनकर जीने में ही भलाई है, वरना हिम्मत वाले तो खाना बन जाते हैं। तुमने मेरे साथ चाल चली? खान, तुम जैसों पर तो कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। पर मैंने तो धोखा नहीं दिया, मैंने कहा था मैं इंसान का सफाया करूँगा और अभी मैं वही करने जा रहा। बलू, कहाँ हो तुम? तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? और शेर खान कहाँ है? देखो, इंसान खजाने की तरफ बढ़ रहे हैं। काश जंगल में असली के भूत होते। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे, इंसान उनसे डर कर जो भाग जाते हैं। लैंगर, तुम्हें इस मौके पर मजाक सूझ रहा है? एक मिनट रुको, भूत। अरे हाँ, मैं भी तो इंसान ही हूँ, भूल गई? ऐसा है क्या? वो आ गए हैं। चलो चिल्लाते हैं, ठीक तीन गिनने के बाद। एक, दो, तीन। उन्हें ऐसा सबक मिला कि वापस नहीं आएंगे। शुक्रिया मोगली। और लैंगर का भी, हम दोनों ने मिलकर अच्छा काम किया है ना? पर मैं इस सबसे बहुत खफा हूँ कि तुमने मेरी बात को नजरअंदाज किया। मोगली, उस टबैकी पर कभी भरोसा मत करना। वैसे तुमने भी तो शेर खान पर भरोसा किया था, क्यों बोलो? तो बोलो, अब क्या करना है?
क्यों ना कोई भूत की कहानी हो जाए। हाँ हाँ सुनाओ, मैं किसी भूत वूत से नहीं डरता। डर तो आप मुझे ही मगर मच्छ खाने से लगता है। आज के बाद देखूंगा भी नहीं। अब जाओ यहाँ से, अपने खजाने की रक्षा मैं खुद कर लूंगा। वो गया ना। हम समझ गए बलू, तुम भूत भूत से नहीं पर जानवरों से डरते हो। ये है जादू, ये है।